Hello students, this video specifically is for class 8, chapter 4, that is your metals, metals and non-metals. So basically in this video I'll be discussing about the introductory part. So in this chapter we'll be studying mainly about the metals and non-metals. So what exactly are those, how they are different from each other, means what are the criteria for distinguishing ki bhai koi cheez aapki metal hoti hai ya fir non-metal hoti hai. And normally when we are being sitting in our room or in school also, there are numerous number of things which are there, right? But जिनको देख के आप कह सकते हैं कि आई भाई ये मेटल की है या फिर ये नॉन मेटल की है. तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को मेटल की कैटेगरी में डालेंगी, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक सब्सटेंस को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डालेंगी, तो उस चैप्टर इस बार इस चैप्टर में हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है. तो स्टार्टिंग ऑन मोर ओवर दिस ओनली वी स्टडी. So in this chapter basically we study about elements. We don't have compounds, atoms or molecules, but I thought this is important to recall as we have seen in the previous classes, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी डिपेंडेंसीज पे आ जाती है. अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका एटम क्या होता है. तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम. जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, जब बेसिकली अगर हम बात करें if identical atoms combine together, or when we say atoms only are combining together, then that will result in the formation of molecules. यानी कि अगर एक atom combine करता है दूसरे atom से, तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है बेटा आपका, molecule. अब यहाँ पे कहानी ये बन जाती है कि कंडीशन इसका आ जाती है कि क्या ये दोनों एटम्स आपके सेम हैं या फिर अलग अलग हैं. अगर दोनों एटम्स आपके आइडेंटिकल हैं यानी कि एक जैसे हैं, तो आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट विल बी मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. अगर दोनों अलग अलग हैं, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका एक एटम है और दूसरा एटम आपका ये है, तो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि व्हेन एन आइडेंटिकल एटम्स आर कंबाइनिंग, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड. तो कहानी देखिए, हर एलिमेंट होता है आपका, हर एलिमेंट की स्पेसिफिक टाइप की क्या होंगे बेटा आपके, एटम होंगे, राइट. अब कहानी कुछ और समझते हैं. देखिए अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हमारे नेचर या फिर हमारे प्लैनेट्स में टोटल 92 टाइप के एलिमेंट्स हैं, राइट. टिल नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दीज मेनी ओनली, और हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक टाइप क्या होते हैं बेटा आपके, एटम्स होते हैं, राइट. ऑफ सिंपल स्पेसिफिक एटम्स. तो अगर हम बात करें कितने टाइप के एटम है, तो 92 टाइप के एटम्स हैं, राइट. अब जब ये एटम आपस में कंबाइन करेंगे, मैंने क्या बोला, जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा आपका, मॉलिक्यूल. अगर वो एटम्स आपके एक जैसे हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बनेगा, और अगर आपके एटम्स अलग अलग हैं तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों की तरीके से, राइट. अगर आप यहाँ पे कहते हैं, एक बेसिक लेवल पे आइडिया लेते हैं हम लोग, ये बनता है. तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड गिविंग यू वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, राइट. नाउ सिमिलरली अगर हम और एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, राइट. व्हेन वन एटम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अलग अलग है, राइट. यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ पे दोनों क्या बेटा आपके अलग अलग है. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. अ कंपाउंड बेसिकली हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. तो अगर आप एलिमेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू टू और मोर टाइप ऑफ सब सब्सटेंसेस फर्दर. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट.